तो आइए आज से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, समान समय में यानी एक ही समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, बी अकेले उस कार्य के कुल भार को 20 दिनों में करता है, तो ए बी मिलकर के उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन वो क्या रहा है, ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, ठीक है। ए और बी दोनों का पहले आप रेशियो लिख लो, ओके। बोल रहा है ए बी की अपेक्षा, बी अगर मान लो 100 कार्य करता है तो ए 50% अधिक कार्य करता है, यानी कि 150, ठीक। यही इसका मतलब है कि ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, ठीक है। यानी कि अगर इसे आप परसेंटेज में लोगे, परसेंटेज लोगे तो, क्योंकि परसेंटेज इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि रेशियो है तो परसेंटेज परसेंटेज तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं लिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, इसे आप छोटा और करो, 0 से 0 कटेगा, 5 × 15, 5 × 10, यानी कि 3:2, ए और बी का क्षमता 3:2 आया, यानी कि ए अगर 3 काम करेगा तो बी 2 काम करेगा उतना ही समय में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे आप ये मेथड लगाए हैं, इसे आप ऐसे भी बना सकते थे, देखिए देखिए यहाँ पे 50% दिया हुआ था, तो 50% को हम 50/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 से 0 कटा, 5 × 10, यानी कि 1/2 आया, है ना। बोल रहा है एक बात यहाँ समझिए, यहाँ तक आपने समझा, अब यहाँ पे आप समझिए, जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम कोई भी इम्तिहान देते हो, एग्जाम देते हो, तो टोटल मार्क्स कितना नंबर का होता है वो नीचे रहता है, ठीक है, और जितना आपका आता है, जैसे मान लो आपका 300 मार्क्स आया और 500 टोटल मार्क्स का जो है एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो 300/500 लिखते हैं, अगर परसेंटेज में बदलना होता है तो 100% से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा समझाने का सिर्फ ये मकसद है कि जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं और जिसके बारे में बोला जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि तुलना किससे किया जा रहा है, 500 मार्क्स से आपका इतना मार्क्स आया, यानी तुलना 500 से कर रहे हैं आपका 300 मार्क्स आया। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है अधिक, है ना, ए बी से अधिक अधिक जो है, ज्यादा जो है ना उसका कैपेसिटी है काम करने का, अधिक बोलेगा तो एड कर दो, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये ए कौन है और बी कौन है, तो यहाँ पे अभी आपको मैंने यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे लिखा जाता है और जिसके बारे में बोला जाता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ए बी की अपेक्षा, ए बी की अपेक्षा यानी बी से तुलना कर रहे हैं, तो यानी कि ये आपका बी होगा, ठीक है, ये क्या होगा, बी होगा और ये आपका ए होगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ से मैंने निकाला 3:2 आया और यहाँ से मैंने कि 3:2 आया, ए का मान 3 और बी का मान 2 आया ना, बस यही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आगे चल के काम देगा, अगर आप इस मेथड से समझ गए तो अच्छी बात है, लेकिन इस मेथड से भी आपको समझना चाहिए था, ठीक है। अगर मान लो ये बोलता कि ए बी से 50% कम काम करता है, तो यहाँ पे हम जोड़े जो यहाँ पे ऐड किए थे, यहाँ पे उल्टा कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते, यानी कि 2 में से 1 जाएगा, 1/2 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे अधिक बोला था इसलिए ऊपर ऊपर वाले जो अंक था ऊपर में जाकर के नीचे वाले अंक को ऊपर में जोड़ दिया, 3/2 हो गया, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे इसका क्या निकल चुका है, क्षमता, है ना, ए और बी का क्षमता निकल चुका है, क्या निकल चुका है, ए और बी का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकल चुका है, ठीक। ये सब मैंने समझाने के लिए क्या, जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे और जिसके बारे में बोला जाता है ऊपर, ठीक। अब यहाँ देखिए बोल रहा है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है बी अकेले उस काम को 20 दिनों में करता है, बी अकेले किसी काम को 20 दिनों में करता है। एक बात यहाँ पे समझो, बी प्रतिदिन 2 काम करता है, बी प्रतिदिन 2 काम करता है, बोलो हाँ या ना, बी प्रतिदिन 2 काम करता है तो 2 और टोटल 20 दिन में कंप्लीट कर देता है, यानी कि टोटल काम यहां से आपका निकल चुका है, कुल काम, टोटल वर्क, कुल काम निकल चुका है। जैसे आप डेली 2 काम करते हो और आप 5 दिनों में काम को कंप्लीट कर देते हो, यानी 2×5 यानी टोटल काम ये आपका निकल चुका है। इसी प्रकार बी प्रतिदिन 2 काम करता है और क्वेश्चन में बोल रहा है बी प्रतिदिन जो है ना 20 दिनों में काम समाप्त कर लेता है, यानी कि 2 काम डेली करता है 20 दिनों में करता है, यानी कि कुल काम ये आपका निकल चुका है, ठीक।
कुल काम को हम लोग क्षमता से भाग देते हैं, जिसके बारे में बोल रहा है उसके क्षमता से भाग देते हैं तो उसका दिन निकल के आ जाता है। क्या कहा, आई रिपीट, कुल काम को जिसके बारे में बोला जाए उसकी क्षमता से डिविजन डिवाइड किया जाए, भाग दे दिया जाता है तो उसका दिन निकल जाता है कि वो कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो बोल रहा था ए और बी दोनों मिल करके, तो ए और बी दोनों मिल करके कितना काम करेगा, ए तीन काम करेगा और बी दो काम करेगा, तो तीन और दो पांच, यानी कि दोनों मिल करके प्रतिदिन हर एक दिन पांच काम करेगा। तो इसे यहाँ पे कैंसिल करो, पांच चौके बीस और ये हो गया चार दुनी आठ, यानी आठ दिन लगेगा, एट डेज लगेगा इन दोनों को काम समाप्त करने में, इस काम को। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब ये जो मैंने इतना यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट आपको यहाँ पे अप्रोच यहाँ पे अपनाना है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन बोल रहा था ए बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, अच्छा 50% अधिक बोल रहा है तो 50/100 यानी कि 0 से 0 / 5 इकाई 5, 5 × 10 यानी कि 1/2 अधिक बोल रहा है तो ऐड कर देंगे यानी कि 3/2। अच्छा बी की अपेक्षा यानी बी से तुलना कर रहे हैं तो ये बी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, यहाँ पे कंफ्यूज अगर आप रहिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हम अगर जो मान लीजिए हमसे गलती हो जाता है तो ये 2:3 अगर जो लिखा जाता है तो आंसर कुछ और आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है और किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ए बी से 3 गुना अधिक उत्तम कारीगर है, यानी कि उत्तम कारीगर यानी कि क्षमता कार्य बोला जा रहा है ए जो है ना बी से 3 गुना ज्यादा उत्तम है काम करने में, ज्यादा सक्षम है बी से, तो बी अगर हम एक मान लेते हैं तो ये 3 गुना यानी कि 1:3 अगर ये एक काम करता होगा बी प्रतिदिन तो ए प्रतिदिन 3 काम करता होगा, यानी 3 गुना इन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, 3 गुना का डिफरेंस है। ठीक है, ओके। अब कई लोग यहाँ पे ये गलती कर सकते हैं कि 1:3 लिख दे तो उसकी गलती, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है बी की तुलना में, तो बी को पहले मानोगे ना, बी को मान लेते हैं एक, तो एक का हम लोग 3 गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 3, अगर आप यहाँ पे 2 मानोगे तो 2 का 3 गुना करो 6 × 2 = 6, ओके। तो कोई किसी का माने कि नहीं हम 2:6 माने तो मानो, रेशियो तो बाद में कटेगा ही, कोई फायदा नहीं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, कैलकुलेशन हार्ड होगा और क्या, थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे चलकर आपको काटना पड़ेगा, बढ़ना इसमें काटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोल रहा है ए बी, यदि ए बी से 10 दिन, अच्छा क्या बोल रहा है, किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, बी से कम समय लेता है ए 10 दिन। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया हुआ होता कि बी जो है ना 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, अगर ये दिया हो रहा था क्वेश्चन में बी जो है 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है तो हम क्या करते, हम यहाँ पे देखते कि बी प्रतिदिन एक काम करता है और 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो यहाँ पे हम क्या करते, ये टोटल काम निकल जाता और जिसके बारे में पूछता, अगर दोनों के बारे में पूछता तो दोनों को एड करके उसकी क्षमता से भाग देते, अगर सिर्फ एक के बारे में पूछता तो एक के क्षमता से भाग देते तो उसका दिन निकल जाता, अगर बी के बारे में बोलता तो बी के क्षमता से भाग देते तो उसका दिन निकल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा है यदि किसी कार्य को करने में B से 10 दिन कम समय लेता है A के बारे में बोल रहा है, A कम समय लेता है, बिल्कुल लेगा कम समय, क्योंकि A प्रतिदिन 3 काम करता है तो B प्रतिदिन 1 काम करता है, यानी कि इसका क्षमता ज्यादा है तो ये कम समय लेगा, इसका क्षमता कम है तो ये ज्यादा समय लेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो क्षमता है आपका क्षमता इफिशियंसी, क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक, समय क्षमता और समय एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि ये उल्टा अपोजिट, इसका रेशियो चेंज कर दो। ठीक है, जाहिर सी बात है ज्यादा टोट समय लगेगा ही, क्योंकि ए प्रतिदिन 3 काम करता है और बी प्रतिदिन 1 काम करता है, तो ए को कम समय लगेगा बी को ज्यादा समय लगेगा, यानी कि क्षमता और समय एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए और
ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, बी से ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो हम यहाँ पे रेशियो में चेक करते हैं कितना समय कम ले रहा है। तो रेशियो में देख रहे हैं कि ए बी से 2 दिन कम समय ले रहा है, रेशियो में 2 कम और रियल में कितना बोल रहा है, रियल में बोल रहा है 10 दिन कम ले रहा है, ठीक है। तो रेशियो 1 का मान निकालो, रेशियो 2 का मान 10, तो रेशियो 1 का मान भाग दे देंगे, है ना, ज्यादा से कम में आते तो भाग देते हैं, तो रेशियो 2 का मान 10 है तो रेशियो 1 का मान कितना होगा, तो इसको भाग दोगे तो 5 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, ठीक है, 2 × 5 = 10, ये रेशियो निकल के आ चुका है 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। अब जिसके बारे में बोल रहा है उसके यहाँ पे क्या बोलते हैं क्षमता से समय के बारे में बोल रहा है, समय से गुना कर दो, ठीक है। तो बोल रहा है बताइए बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी का समय ये है, देखिए समय ये क्या है, समय का रेशियो है ना, तो यहाँ पे समय से मैं आप काउंट करूंगी, तो यहाँ देखिए रेशियो 1 का मान 5 है तो रेशियो 3 का मान, इसीलिए रेशियो 3 का मान क्या होगा, रेशियो 1 का मान 5 तो रेशियो 3 का मान 3 × 5 यानी 15 दिन लगेगा, 15 डेज लगेगा, बात समझ में आई, ओके, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। एक बार फिर से समझो, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आपका बोल रहा था कि ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है काम करने में उत्तम है, यानी ए के रेशियो 3, यहां समझ में आ गई बात। फिर हम लोग सीखे कि समय जो है, क्योंकि समय के बारे में क्वेश्चन में जिक्र कर रहा तो हम लोग समय में बदल दिए, और समय में हम लोग बदलने के लिए जानते हैं कि क्षमता समय जो है क्षमता को उल्टा होता है, तो रेशियो को मैंने चेंज कर दिया, ये उल्टा हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि यदि बी ए ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, 10 दिन कम समय लेता है रियल में, तो रेशियो मैंने चेक कर लिया, रेशियो में तो 2 कम लेता है और रियल में 10 दिया हुआ है, रेशियो को आपको रिलेशन करना है रियल वाले मान से, ठीक है। तो रेशियो 2 का मान 10 है तो रेशियो 1 का मान 5 है, और जिसके बारे में बोलेगा उसके रेशियो से गुना कर देना है। बी के बारे में बोला बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो रेशियो 1 का मान क्या है 5, तो रेशियो 3 का मान 3 × 5 = 15 दिन। अब कोई लोग बोलेगा इससे क्यों नहीं गुना की, अरे ये क्षमता है, ये समय है, ये समय का रेशियो है, ये जो है ना रेशियो समय का, समय वाले से गुना करोगे, क्षमता वाले रेशियो से नहीं गुना करेंगे, ये अगर ये क्षमता रहता तो हम क्षमता वाले रेशियो से गुना करते, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी आपका, चलिए क्यों बता दो, क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी से आधा कार्य करता है और सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा करता है, ठीक। यदि सी एक कार्य को 12 दिन में करता है तो बताइए सब मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक। क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझना है, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपको समझने वाली बात है, आराम आराम से पढ़िए क्वेश्चन, रुक रुक करके तभी समझ में आएगा, एक तरफ से पढ़िए अब समझ में नहीं आएगा। पहले एक स्टेप पर ए बी से आधा कार्य करता है, ए बी से आधा कार्य करता है, पहला स्टेप ए बी से आधा कार्य करता है, अगर बी एक काम करता होगा, ठीक, ए बी से आधा कार्य करता है, ए जो है ना बी से आधा कार्य करता होगा, तो इसको हम 2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1, बी से आधा कार्य, तो बी 2 काम करता है तो 1, ए जो है 1 काम करता होगा, इसका तो यही मतलब है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ए बी से आधा कार्य करता है, अगर बी को हम 2 लिए तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। आप बोलोगे आपने 1 क्यों नहीं लिया, अगर हम यहाँ 1 लेते तो आधा क्या हो जाएगा, आधा हाफ हो जाएगा, ओके, आधा हाफ होगा, तो फिर अगर इसे आप सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन जब होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन अगर जो होगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 / 2, फिर आप वापस आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है जी, ओके, बात समझ में आई। अब यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टेप सी, सी जो है ना सी ए और बी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों प्लस है, ठीक है, प्लस होगा क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर के जो काम करता है उसका आधा करता है, यानी ये दोनों मिलकर के अगर 2 काम करता होगा तो इसका आधा सी करता है 1 काम, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी अगर 12 दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है, सी 12 दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने एक चीज बताया है, अगर किसी भी व्यक्ति का उसका क्षमता दे दे और उसका पूरा दिन दे दे कि वो कितने दिनों में काम को समाप्त करता है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका टोटल काम निकल के आ जाता है। जैसे आप डेली 2 काम करते हो और आप 10 दिनों में कंप्लीट करते हो, तो 10 × 2 × 10 ये टोटल काम हो गया, यानी इससे ज्यादा तो काम नहीं हो सकता है।
तो सी प्रतिदिन एक काम करता है और सी जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 1 × 12। बताओ 1 × 12 ये कुल काम इसे हम बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल हम बोल सकते हैं, कुल काम इसे हम बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ए प्रतिदिन एक काम करता है, ये इसका क्षमता है और ये 12 दिनों में काम को अपना कंप्लीट कर लेता है। इट मीन्स ये टोटल काम आपका निकल कर चुका है। अब जिसके बारे में बोले उसकी क्षमता से हम लोग भाग देंगे तो उसका दिन निकल के आ जाएगा। टोटल काम को जिसके बारे में बोले उसकी क्षमता से भाग देने पर दिन निकल के आता है, सिंपल सी बात है। यानी कि कुल काम में क्षमता से भाग देने पर दिन निकलता है, ठीक। तो क्वेश्चन बोल रहा है बताइए तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब इस रेशियो में देखिए तीनों आ रहा है क्या? इस रेशियो में तीनों व्यक्ति नहीं आ रहा है, लेकिन इस रेशियो में तीनों का तीनों आ रहा है, ठीक। तो ये वाला हम ले लेते हैं, तो एक और दो तीन, एक और दो तीन, तो यहाँ पे तीन से हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 × 12 यानी कि 4 डेज यानी 4 दिन लगेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब कई लोग बोलेगा इसमें और इसमें क्या अंतर है, अगर ये भी ले लेते तो वही बात है, अभी अंतर नहीं है बट आगे चल करके आपको दिक्कत होगा। वो दिक्कत क्या होगा, आगे चल के आप क्वेश्चन अगर यहाँ से चेंज कर देगा ना, बोल देगा कि बताइए ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा, या फिर बी कितने दिन में करेगा, या फिर ए कितने दिन में करेगा, तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके चलिए जी चले। अब आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूर्ण करते हैं, पूर्ण कर सकते हैं यानी कंप्लीट कर सकते हैं, तो एक साथ कार्य करने में करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी उस काम को सब मिल करके यानी तीनों मिल करके कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आप तुरंत बना लोगे। देखिए एक अच्छा एक ए कितने दिनों में करता है, 24 डेज में, 24 दिनों में, ठीक। बी कितने दिनों में करता है, बी बताइए, बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 डेज में, 6 डेज में करता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सी कितने दिनों में करता है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 दिनों में, 12 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। तो बोल रहा है बताइए तीनों मिलकर अगर उस काम में लग जाए तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ से क्या करो, टोटल आप यहाँ पे काम निकाल लो कि टोटल काम कितना यूनिट है, ठीक है। तो 24, 6 और 12 का एलसीएम निकालो, क्या आता है, तो एलसीएम निकालने का मैंने आपको बताया बहुत ही आसान सा ट्रिक, जो बड़ा वाला संख्या है उसको पकड़ो और इसको यही रहने दो, मान लो कि यही एलसीएम है, अगर यही हम एलसीएम माने तो देखेंगे कि बाकी जो संख्या इसे कट रहा है, इसे काट रहा है, तो 6 × 24 काट दे रहा है, 12 × 24 यानी कि ये एलसीएम हो सकता है। अगर नहीं करता तो फिर हम 24 का पहाड़ा पढ़ते, 24 × 48, फिर 48 को चेक करते कि क्या 48 ये दोनों संख्या 48 से कट रहा है या नहीं, अगर नहीं करता फिर उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एलसीएम बनाने का ये सिंपल सा मेथड है, तो इसका यहाँ पे 24 एलसीएम हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल काम निकल के आता है आपका, टोटल वर्क, कुल काम टोटल वर्क निकल के आ गया। अब यहाँ पे समझिए ए जो है 24 दिनों में टोटल वर्क जो है 24 करता है, ये 24 दिनों में कुल 24 काम करता है, तो प्रतिदिन कितना करता है वो, प्रतिदिन, तो 24 × 24 यानी प्रतिदिन एक काम करता होगा, 24 दिनों में टोटल 24 काम करता है, तो एक दिनों में 24 से भाग दे देंगे 24 से एक, 6 बी जो है ना 6 दिनों में टोटल 24 काम करता है, एक दिनों में कितना करता होगा, 6 दिनों में टोटल 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 6 × 24 भाग दे देंगे यानी 4 काम डेली करता होगा बी। सी 12 दिनों में टोटल 24 काम करता है, तो प्रतिदिन कितना करता होगा, तो प्रतिदिन 12 × 24 यानी 2 × 12 से हम लोग डिवाइड कर दिए, 12 × 24। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ओके कोई दिक्कत नहीं। देखिए अरे ज्यादा से कम में आते हैं तो डिवाइड करते हैं, 4 kg सेब अगर 200 रुपया में मिल रहा है तो 1 kg का दाम कितना होता है, आप लोग क्या करते हो, 200 × 4 करते हो, यानी ज्यादा से कम में आते हैं तो भाग करते हैं, वही काम यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, 24 दिन में इतना तो एक दिन में भाग दे दिए, 6 दिन में इतना तो एक दिन में कितना भाग दे दिए, 12 दिन में इतना तो एक दिन में कितना भाग दे दिए, वही काम यहाँ पे हम अप्लाई किए, मतलब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बस आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। ओके अब बोल रहा है तीनों मिल करके कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को काम पे लगा देना है,
और टोटल काम हमें पता है 24 यूनिट काम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके प्रति, तीनों का क्षमता क्या है, एड करो तीनों का क्षमता, देखो ए का क्षमता एक है प्रतिदिन एक काम करने का, बी का चार काम करने का डेली क्षमता है, और सी का दो काम करने का डेली क्षमता है। तो चार दो छत, ठीक। अब यहाँ पे इसे लिख लो, सत सत का सात, सत उन्नीस चौदह, सत्या इक्कीस, यानी 3.3/7 है ना, इतना दिन लगेगा, इतना डेज लगेगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक। 21/24 यहाँ पे भी किसी को कंफ्यूजन है क्या, देखिए सिंपल सा बात है, 24 को 7 से भाग दो, सत्या 21 लगेगा, ठीक। भागफल को पूर्णांक में लिखते हैं, और ये जो शेषफल है वो ऊपर चला जाता है, और जिससे भाग दिया वो नीचे रहता है, ये बात तो पहले से ही आपको आनी चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए फाइनली आपका आंसर हो गया जी, 3.3/7 डेज लगेगा, ठीक। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिनों में करते हैं, पूरा करते हैं। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा काम ही करता है, आधा दिवस ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप समझिएगा इस क्वेश्चन को, ओके। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में ए और बी दोनों मिल करके 10 दिनों कितना है 12 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, ठीक, लिखा हुआ है 12 दिनों में, मैंने लिख दिया। फिर बोल रहा है कि ए अकेला 20 दिनों में करता है, ए अकेला उसी काम को, काम दूसरा नहीं है, काम एक ही काम रहता है, ठीक है, ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो इससे हमें कुल काम पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना यूनिट है। तो 20 और 12 का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने का मेथड क्या है, जो 12 वाला संख्या है उसको पकड़ो और सोचो क्या ये, हम इसे एलसीएम मान लेते हैं 20, तो देखेंगे 12 क्या 20 से कट रहा है, 12 दूनी 24 नहीं कट रहा है, 20 का पहाड़ा करो 20 दूनी 40, 40 क्या 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 20 या 60, हाँ 60 से 12 बच्चे 60, यानी कि अगर हम इसका एलसीएम 60 लेते हैं तो इसका सही हो जाएगा एलसीएम इसका, हाँ 60 होना भी चाहिए। अब ये आपका टोटल काम निकलता है, टोटल वर्क, कुल काम ये आपका निकल जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए ए और बी 12 दिनों में टोटल 60 काम करता है, ए और बी 12 दिनों में टोटल 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 12 25 60, यानी प्रतिदिन 5 काम करता होगा, ये इसका क्षमता हो गया, ए और बी का क्षमता हो गया। अब ए 20 दिनों में टोटल 60 काम करता है, ये टोटल काम है ना जी, है ना, ए 20 दिनों में टोटल 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो यहाँ पे भाग दे देंगे, सिंपल सी बात है, ज्यादा से कम आते हैं डिवाइड करते हैं, तो 20 या 60, यानी इसका क्षमता है 3 काम करने का प्रतिदिन, ठीक। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि बी जो है ना प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है ना, ए और बी जो है ना आधा दिवस यानी आधा दिन ही काम करता है, तो पहले हम तो यहाँ पर निकाल लेंगे बी का क्षमता क्या है, हमें ए का क्षमता मालूम है, ए और बी का क्षमता मालूम है, तो यहाँ से हम यहाँ पे हम बी का भी क्षमता निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखिए ए प्लस बी इन दोनों का क्षमता 5 है काम करने का, 5 यूनिट काम करता है प्रतिदिन, और ए का क्षमता है 3 काम करने का प्रतिदिन, तो ए की जगह 3 रख दिए, ठीक, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, उधर 3 घट जाएगा जाकर के क्या होगा, 5 में से 3 जाएगा कितना होता है 2, यानी कि बी प्रतिदिन 2 काम करता है, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये आधा दिवस ही काम करता है, यहाँ पे आपको समझना है, आधा दिवस यानी आधा दिन ही काम करता है, अगर वो बी पूरा दिन काम करता तो बेसिकली वो पूरा 2 काम कर ही लेता, बट ये आधा दिन काम करता है इसलिए इसे आधा कर देंगे, है ना, तो 2 को आधा कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा, अरे आधा काम, आधा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आधा करो, लो 4 को आधा करो 2 से भागोगे, तो इसी प्रकार इसको 2 से भाग दे दो, 8 का आधा करो 2 से भाग दे दो 4 आ जाएगा, यानी ये इसका आधा हो गया, तो इसी प्रकार 2 को 2 से भाग देंगे इसका 1 हो जाएगा, यानी ये इसका आधा करता है, ठीक है, या फिर घटा के भी आधा कर सकते हो, जैसे 9 का आधा बोलेंगे करने के लिए, इसका आधा करो नहीं करो तो आपको बेसिकली डिवाइड करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 4 का बोलूं आधा करने के लिए तो आप घटा के भी कर सकते हो, 4 तो इसका आधा हो जाएगा 2, घटा के भी कर सकते हो, लेकिन इसे आप घटा नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आधा बोले तो 2 से भाग दो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ वही काम को
टोटल काम उसी काम को ए और बी मिलकर करेगा कितने दिनों में करेगा, ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा, टोटल काम 60 है ए और बी मिलकर करेगा तो ए प्रतिदिन करता कितना है 3 काम और बी प्रतिदिन करता है 1 काम, 2 काम करता था लेकिन ये आधा दिवस ही क्वेश्चन में बोल रहा था तो प्रतिदिन एक ही काम करेगा तो 3 और 1 4। ओके तो इसे आप यहाँ पे काटो कितना हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 15 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन को आधा दिवस ये टर्म नहीं पढ़िएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका भी टोटल ले लीजिएगा ये 2 और इसका भी ले लीजिएगा टोटल 3 5 काटिएगा तो 12 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन में रहेगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक कार्य 20 दिनों में करता है, बी वही कार्य 40 दिनों में करता है पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर के बाद कार्य 5 दिनों तक किया तो उस कार्य का कितना शेष बच गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं आपको सारे के सारे इंपोर्टेंट है। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत पहले पूछ दिया गया है तो उस टाइप के नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जैसे ये टाइप जो है ना, ये सब क्वेश्चन जो है ना, इंसान जो है ना यहाँ पे फंस जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे करता है। ठीक है, मिस्टेक क्या करता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक कार्य को 20 दिनों में करता है, ए नाम का बंदा है और ये 20 दिनों में जो है काम को कंप्लीट करता है, लिख लो। ठीक है, ये काम बहुत स्पीड में आपको करना है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। ये आपको डे और वे कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सी बात है। ए 20 दिन में करता है, डे वो नहीं लिखना है, वहां पे उतना समय आपके पास नहीं होगा। ठीक है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, और इतना समय भी नहीं लगना चाहिए। ठीक, समय कम नहीं लगना चाहिए इतना सॉल्यूशन करने में। ठीक है जी, ओके चलिए। ए 20 दिनों में करता है, बी उसी कार को 40 दिनों में करता है, तो बी मैंने लिख लिया 40 दिनों में करता है, ये क्वेश्चन में बोल रहा था। ठीक है, तो बोल रहा था कि दोनों मिलकर के 5 दिनों में काम 5 दिन तक काम करता है तो काम कार्य का कितना शेष बच जाता है। ठीक, अब यहां समझिए, सबसे पहले हम टोटल यहां से काम निकाल लेंगे तो जो दिया हुआ है दिन, जो व्यक्ति का दिन दिया हुआ है उसका एलसीएम हम लोग लेते हैं तो टोटल काम निकल के आता है 20 और 40 का एलसीएम लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो बड़ा वाला संख्या है उसको पकड़ो और सोचो यही एलसीएम है, जो बड़ा वाला संख्या है उसी को पकड़ो और सोचो यही एलसीएम है, अगर ये एलसीएम है तो ये बाकी संख्या से कटना चाहिए, 20 दूनी 40 कट रहा है तो यानी कि ये इसका एलसीएम हो सकता है क्या यही एलसीएम होगा, ये हो सकता है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या निकलता है, टोटल काम, टोटल वर्क यानी कुल काम ये आपका निकल के आ चुका है। अब यहां से इसका क्षमता निकालो, देखो ए 20 दिनों में टोटल 40 वर्क करता है, 40 काम करता है, ये 20 दिनों में टोटल 40 काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, 20 दुनी 40 यानी एक दिन में प्रतिदिन 2 काम करता होगा ए, बी 40 दिनों में टोटल 40 काम करता है, बी 40 दिनों में टोटल 40 काम करता होगा तो एक दिन में कितना करता होगा, 40/40 यानी प्रतिदिन 1 काम करता होगा, ये इसका क्षमता निकल कर आ चुका है एफिशिएंसी। ठीक, अब यहां पे क्या बोल रहा है समझो, यहां तक आपने समझ लिया ना, आप समझ गए होंगे। अब यहां पे इससे थोड़ा अलग चलते हैं, अलग दुनिया में समझिएगा। जैसे मान लो आप मान लो किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हो तो एक दिन में कितना करोगे, तो एक दिन में उस टोटल काम का 1 भाग कंप्लीट करोगे, 2 दिन में कितना करोगे, उस टोटल काम नीचे और उस टोटल काम का 2 भाग कंप्लीट करोगे। ठीक है, ओके, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब यहां पे देखिए बोल क्या रहा है, एक मिनट, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं अप्लाई करेंगे, आगे चल के अब मैं आपको बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 दिनों तक जो है ना दोनों मिलकर के कार्य को करता है, उसके बाद दोनों छोड़ देता है, तो बताइए काम का कितना भाग जो है शेष रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए और बी दोनों मिलकर के प्रतिदिन कितना काम करता है सोचो, प्रतिदिन ये करता है 2 काम, प्रतिदिन ये करता है 1 काम, यानी प्रतिदिन ए और बी प्रतिदिन कितना काम करता है ये आपको मालूम हो चुका है क्या, तो हाँ मालूम हो चुका है कितना, ये दोनों मिलकर के प्रतिदिन 3 काम करेगा और 5 दिनों तक दोनों मिलकर के काम करता है यानी टोटल 15 काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो बोल रहा है काम का कितना शेष भाग रह जाएगा, तो अब यहाँ पे बच्चा क्या कंप्लीट करता है, यहाँ पे गलती करता है, 40
माइनस 15 करता है और यहाँ पे इसे घटा करके लिख देता है 25। बस ऑप्शन में रहता है इतना डेज, वो मार क्या जाता है उसका गलत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना शेष रह जाएगा ये नहीं बोल रहा है, कितना शेष भाग कंप्लीट रह जाएगा, भाग मतलब भिन्न। ठीक है, तो टोटल काम है 40, 20 काम कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे लिखोगे। यहाँ पे सिर्फ यही आंसर, कई लोग यही आंसर छोड़ देता है, बस यही आंसर हो गया, बस कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ऑप्शन में क्या उड़ाता ही रहता है लोग, यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे कितना शेष काम रह गया ये पूछता था, इसका आंसर ठीक था, लेकिन कितना भाग शेष रह जाएगा, भाग बोल रहा ना, भाग मतलब क्या होता है, 4/3 यानी 4/3 यानी कि आपको बटा में लिखना है, फ्रैक्शन में लाना है। ठीक है, यहाँ से काटो 5 25 25 5 8 40 यानी कि 5/8 भाग जो है शेष रह जाएगा। ठीक, इतना भाग जो है शेष रह जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया, इतना भाग, ये दिन नहीं है भाग, इतना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये भी आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इससे पहले जो मैंने बेसिक चीजें बताई थी वो आगे चल के क्वेश्चन काम देगा, कि मान लो आप किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हो, एक दिन में कितना करोगे, तो उस काम, उस टोटल काम का एक भाग कंप्लीट करोगे यानी 1/20, 2 दिन में तो 2/20, ओके, 18 दिन में तो 18/20। अब कोई बोलेगा कौन जी कि मतलब 25 दिन में 25/20, तो ये संभव नहीं है, टोटल काम नीचे है, तो टोटल काम 20 है, कर लोगे तुम 25, ऐसा कैसे संभव है? अरे टोटल काम 20 है, तुम 25 कैसे कर लोगे? अरे कम कर सकते हो, उसके बराबर कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हो ना, तो हमेशा जो है ऊपर फ्रैक्शन इक्वल टू डिनोमिनेटर और लेस देन डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, ओके, चलिए ये आपका आंसर हो गया जी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं उसमें से इस टाइप को आप याद रखिएगा, इस टाइप को आप याद रखिएगा। टाइप क्या है मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, और ये टाइप हमें नहीं लगता है कभी भूलूंगा, एकदम इस टाइप को जेहन में बैठा लिए हैं कि इस टाइप को कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर इसको हम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो एक पेज आपका लग जाएगा, लेकिन इसी को हम एक ट्रिक से बनाएंगे तो सिर्फ 1 से 2 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ सेकंडों में आंसर दोगे। ठीक है, अब यहां देखो, ए और बी को मिलकर काम करने में कितना समय लगता है, ए को अकेला वह काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, बी को वही काम अकेला करने में 16 दिन अधिक लगेंगे, तो वे दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझिए। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन ए और बी मिलकर के, मान लो आप और आपका दोस्त मिलकर के, मान लो किसी दिन में आप काम कंप्लीट करते हो, कितना दिन हमें मालूम नहीं। ठीक है, आप और आपका दोस्त किसी काम को एक दिन में मान लो कंप्लीट करते हो, ठीक, एक दिन में कंप्लीट करते हो मान लेते हैं, तो अगर आप अकेला करोगे तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि वहां 2 आदमी था, आप अकेला हो चुके हो। ठीक उसी प्रकार आप बैक हो जाओ, आप वापस चले जाओ, आपका दोस्त रहेगा तो दोस्त को काम करेगा, तो उसको अगर उसका क्षमता ज्यादा होगा तो आपसे थोड़ा सा कम समय लगेगा, उसका क्षमता ज्यादा होगा तो सॉरी आपसे उसका क्षमता कम होगा तो उसको भी ज्यादा समय लगेगा, अगर आपसे उसका क्षमता कम होगा तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझो, देखो मान लेते हैं ए और बी किसी काम को, पहले हम कॉन्सेप्ट से बता देते हैं, उसके बाद हम इसका एक छोटा सा आपको ट्रिक बताएंगे। ए और बी मान लेते हैं किसी काम को एक दिन में करता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि ए दोनों मिलकर के काम कितने दिन में कंप्लीट करता है। फिर बोल रहा है कि यही काम अगर ए करता अकेला तो उसे 4 दिन अधिक लगता है, 4 दिन टोटल इन दोनों को लगता है 1 दिन, तो अकेला करता है तो 4 दिन अधिक यानी 1+4 इतना डेज लगेगा। ठीक, अब बी अगर अकेला काम करेगा इसी काम को तो उससे जो है 16 दिन अधिक लगता है, यानी बी का क्षमता कम है तभी इसको ज्यादा समय लगा है। ठीक, ओके, तो बोल रहा है बताइए दोनों मिलकर के उस काम को कंप्लीट करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो एक चीज मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर कोई सभी का दिन दे दे और उसके बारे में बोले कि 2 आदमी का दिन दे दे, सभी का नहीं, 2 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो 2 आदमी का दिन दे दे, ठीक है, और उन दोनों को साथ में काम कराए, तो एक फॉर्मूला होता है ए और बी दोनों का दिन दे दे। ठीक है, मान लो ए जो है ना ए दिन में काम कंप्लीट करता है, बी जो है ना बी दिन में काम कंप्लीट करता है। ठीक, मान लो स्मॉल ए इतना डेट दिया होगा, ठीक है, तो बी दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट करेगा ना, तो ए इंटू बी अपन ए प्लस बी इतना दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, ये जो निकलेगा आपका समय निकलेगा, यानी ए और बी
ए का दिन कितना है वो लिखो, बी का कितना दिन में काम कंप्लीट करता है वो लिखो, ठीक है, उसका भी यहाँ पे कंप्लीट ये आपका हो जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ए जो है इतना दिनों में करता है, तो ए इंटू बी यानी कि एक्स प्लस फोर इंटू इंटू एक्स प्लस सिक्सटीन अपॉन एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस सिक्सटीन, ओके यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ नीचे प्लस होगा, ठीक है, ओके ये प्लस है, इक्वल टू दोनों मिलकर के काम करता है एक्स दिन में, तो इसके बराबर हो जाएगा। देखिए ये जो फॉर्मूला निकला है दोनों मिल करके कितना समय लगेगा वो निकल गया, और हमें हम जानते हैं दोनों मिलकर एक्स दिन में कंप्लीट करता है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक्स दिन में कंप्लीट करता है और समीकरण से दोनों मिलकर के इतना दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्यूशन करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8 दिन, ओके। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करूंगा, समय लगेगा फालतू, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन किस तरह किया हुआ है कॉपी में, ठीक है। ये देखो कॉपी में सॉल्यूशन किस प्रकार किया हुआ है, ठीक, ये देखो आप देख रहे हैं ना, यहां से देखिए, यहां से आपको दिख गया। अब देखिए ये तो मेथड हो गया लॉन्ग मेथड, इतना करोगे तब तो एग्जाम में आपका जो है आप जानते हुए भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, इस टाइप का सवाल, ये टाइप एकदम याद रखो, आप कोई बात कोई व्यक्ति किसी काम को जितना दिन में करता है मालूम नहीं है, लेकिन अगर अकेला करेगा तो उससे ज्यादा दिन लगेगा, जाहिर सी बात है ज्यादा दिन लगेगा, फिर दूसरा व्यक्ति करेगा तो उससे कुछ ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है ज्यादा ही लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको करना क्या है, दिन निकालने के लिए अंडर रूट मोर इंटू मोर, यानी कि उन दोनों के कितना कितना दिन ज्यादा लगता है वो गुना कर दो रूट अंडर, उसका दिन निकल जाएगा। इसको 4 दिन ज्यादा लगता है 4, इसको कितना दिन 16 दिन ज्यादा लगता है 16, यानी 16 चौसठ, यानी 64 का वर्गमूल 8 होता है तो 8 डेज लगता है। ये देखिए कितना कम समय में हो गया, और ये करते तो आपको कम से कम 5 मिनट 3 मिनट लगता, कितना फास्ट आप करो 3 मिनट तो लग ही जाएगा, बट इसे आप सेकंडों में करेंगे 10 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ 8 डेज निकल गया, ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14 इजी क्वेश्चन है, आप बना लोगे खुद से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, और ए बी और सी तीनों मिलकर के 6 दिन में कर सकता है, तो बताइए ए और सी, सिर्फ ए और सी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी मैं सारा क्वेश्चन तो बढ़िया ही बोल रहा हूँ, क्यों बढ़िया बोल रहा हूँ, क्योंकि बनाते बनाते हमें क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करते करते एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही लगता है बन जाएगा। ये कब आपके साथ होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद पढ़ाना स्टार्ट करोगे, इतना आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए और बी किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक, ओके। बी और सी 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी और सी 12 दिन में कंप्लीट करता है, ये भी मैंने लिख लिया, ओके। फिर बोला है कि तीनों मिलकर के, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर के, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक। तो अब आपको बोल रहा है कि बताइए ए और सी, ए प्लस सी इन दोनों को अगर काम में लगा दिया जाए उस काम में, तो कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे काम यहाँ पे पता करेंगे कि टोटल काम कितना है, तो एलसीएम मेथड से हम लोग क्या करते हैं टोटल काम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक। जो समय दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम यहाँ पे 8, 12 और 6 का एलसीएम निकालो, तो जो सबसे बड़ा संख्या है उसको पकड़ो, ये बड़ा संख्या क्या है 12। अब सोच लेते हैं कि 12 एलसीएम है, सोच लेते हैं एलसीएम मान लेते हैं 12 है, तो क्या 8 से कट रहा है 12, 8 दूनी 16 नहीं कट रहा है, 6 कट रहा है 8 नहीं कट रहा है, चलो अब 12 का टेबल पढ़ो, 12 दूनी 24, 24 क्या 8 से कट रहा है, तो 8 3 24, 6 4 24, यानी इसका 24 एलसीएम हो सकता है क्या, 24 ही एलसीएम होगा इसका, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम निकालने पे टोटल काम कुल वर्क आपका निकलता है, यानी कुल काम इतना यूनिट है, 24 यूनिट ये काम है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो इसका क्षमता निकालें, क्षमता देखो ए और बी 8 दिनों में टोटल 24 काम करता है, ए और बी 8 दिनों में टोटल 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में तो 8 को 24 से भाग दे दो, यानी 3 काम प्रतिदिन करता होगा ए और बी मिल करके, बी और सी मिल करके 12 दिनों में टोटल 24 काम करता है, बी और सी 12 दिनों में टोटल 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 12 से इसमें डिवाइड करो, 12 दूनी 24, यानी 2 काम प्रतिदिन करता होगा बी और सी, ठीक। इसी तरह ए बी और सी तीनों मिल करके 6 दिनों में टोटल 24 काम करता है, तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा, 6 चौके 24 यानी 4 काम प्रतिदिन करता है,
ठीक है जी। तो अब यहां से आपको ए और सी से काम करवाना है। ए और सी का क्षमता आपको यहां पर मालूम है क्या? नहीं मालूम है। किसी भी पर्सन का इंडिविजुअल यहां पे क्षमता मालूम नहीं है, तो आप यहां से करोगे क्या? ए और बी, ए बी सी का क्षमता आपको दिया हुआ है, तो बाकी क्षमता आप निकाल सकते हो। वो कैसे? यहां पे समझो, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को लगता है, ये प्रतिदिन इसका क्षमता क्या हुआ है? चार काम करने का, यानी कि प्रति यूनिट चार काम करता है। ठीक है, यूनिट में इसलिए मैंने कहा कि ये घंटा में भी हो सकता है, ये दिन में भी हो सकता है, ये मिनट में भी हो सकता है, इसलिए यूनिट मैंने बोल दिया, यानी यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए बी और सी चार यूनिट पर इसका क्षमता है काम करने का, यानी प्रति यूनिट चार काम करता है। तो हमें ए का पहले निकालना है, फिर सी का निकालना है, या फिर सी का पहले निकालो ए का बाद में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए और सी का आपको बस क्षमता निकालना है। तो अगर हम बी सी का यहाँ पे क्षमता का मान यहाँ पे रख देंगे, तो ए का पता चल जाएगा, बी और सी का क्षमता है दो, दो काम करने का, तो यहाँ पे दो रख दिए बराबर चार। तो ए का निकल के आ चुका है, चार में से दो उधर घट जाएगा, घट जाएगा तो दो निकल जाएगा, दो इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखो अब सी का निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर टू, इसका क्षमता चार यूनिट काम करने का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सी का निकालना है, तो ए और बी का यहाँ पे इसका क्षमता रखना पड़ेगा, तो ए और बी का क्षमता तीन यूनिट है, तीन यूनिट इसका क्षमता है। तो यहाँ से सी का निकल चुका है, चार में से तीन जाएगा एक, उधर जाएगा तो घट जाएगा, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि इसका क्षमता एक काम करने का है प्रति यूनिट। ठीक है, तो वो लाइक बताइए उस काम में ए और सी को घिरा दिया जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा? तो ए और सी से करवाना है, ए और सी से करवाना है ना जी, तो ए प्लस सी इन दोनों को काम करवाना है, टोटल काम है 24 यूनिट, और दोनों मिल करके प्रति यूनिट काम करता है तीन काम, दो काम ए करता है, एक काम सी, सी जो है प्रति यूनिट एक काम करता है, दो और एक तीन। ओके, कुल काम में क्षमता से भाग देते हैं, दिन निकलता है, कुल काम 24 है, इसका क्षमता दो काम करने का है प्रति यूनिट, इसका क्षमता है एक काम करने का प्रति यूनिट, तो इन दोनों के यूनिट को ऐड करके मैंने इसे डिवाइड किया। कुल काम में क्षमता से भाग देने पर डे निकलता है, यानी दिन निकलता है, तीन आठ 24 यानी कि 8 डेज लगेंगे, 8 दिन लगेंगे ए और सी को काम करने में। ठीक, अगर क्वेश्चन में बोल लेता कि बी और सी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, बी का भी आपको वैल्यू निकाल लेना था। बी का वैल्यू कैसे निकलता है? ए और सी का यहाँ पे आप क्या करते, ए और सी का क्षमता का वैल्यू यहाँ पे रखते। ठीक है, देखिए हम बी का कैसे निकालते हैं। अगर पूछ लेता क्वेश्चन में बी और सी मिलकर कितने दिन करेगा, यार बी और सी का तो दिया हुआ था। ठीक है, नहीं नहीं बी का अलग सी का अलग इंडिविजुअली नहीं मालूम है जी, इंडिविजुअली मालूम होना चाहिए। तो बी और सी, तो बी का क्षमता कितना है मालूम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, देखने वाली बात है कि बी का हम कैसे निकालेंगे, बी का कैसे निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके करता है चार काम प्रति यूनिट। ठीक है, हमें बी का निकालना है, तो ए और सी का क्षमता हमें यहाँ पे पुट कर देंगे, ए और सी का मान यहाँ पे रखेंगे, ए और सी कहाँ है जी, ए और सी, हाँ ए और सी तो मालूम हो चुका है, देखिए ए दो सी एक, तो तीन, ए और सी कितना कहता है, ए और सी कितना करता है तीन, दो ये करता है एक ये करता है तीन करता है, तो ए और सी ये टोटल तीन है, यानी कि तीन यहां रखेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तीन उधर चला जाएगा यानी एक। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तीन होगा ना जी, तो घटेगा था एक आया, यानी कि बी का क्षमता भी है एक यूनिट काम करने का, ए सी का भी क्षमता है एक यूनिट काम करने का, यानी दोनों का क्षमता सेम है। ठीक है, लेकिन बिना निकाले आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये आपको निकालना ही था। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका फाइनल आंसर हो गया 8 डेज। ठीक, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेज हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन और उधर हो गया था 6 क्वेश्चन, यानी 7-8 क्वेश्चन मैंने कहा आपको लेंगे हर एक वीडियो में। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, उन्होंने मिलकर के 20 दिनों तक काम कंप्लीट किया और बी ने छोड़ दिया, ए ने शेष काम को 20 दिनों में कंप्लीट किया, तो बताइए ए इस काम को करने में कितना समय लेगा अगर वो ए अकेला करता तब। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ए और बी, ए और बी किसी काम को, काम कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये 30 दिनों में कंप्लीट करता है, 30 डेज में कंप्लीट कर लेता है ये दोनों मिलकर। तो बोल रहा था कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों ए और बी मिलकर के 20 दिनों तक काम किया फिर छोड़ दिया, दिनों तक काम किया, 20 दिनों तक किया। ठीक है, 20 दिनों तक किया काम। ठीक है, तो एक बेसिक चीज मैंने आपको बताया था, वो क्या, मान लो आप टोटल जो है ना, आप मान लो
आप हुई है, ठीक है, आपका क्या नाम है पता नहीं, आप जो भी हो, आप मान लो 20 दिन में आप किसी काम को कंप्लीट करते हो, 20 दिन में 20 डेज आपको लगता है किसी काम को कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना करोगे, उस टोटल काम का एक भाग, यानी कि 20 दिन का एक भाग कंप्लीट करोगे, जाहिर सी बात है 20 दिन में कंप्लीट करते हो तो एक दिन में उसका एक भाग कंप्लीट करोगे, दो दिन में 2/20 भाग टोटल नीचे रहता है और जितना किए हैं वो ऊपर लिखाता है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो मैट्रिक के एग्जाम में, तो टोटल नीचे रहता है 500 मार्क्स का जैसे एग्जाम हुआ, जो नंबर आया आपका वो ऊपर, ओके ये बात आपको आनी चाहिए, और परसेंटेज निकालते थे तो परसेंट 100% से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज निकाल लेते थे, यानी यहाँ पे आपको समझाने का मेरा मकसद है कि टोटल नीचे और जिसके बारे में बोले ऊपर, ठीक है, तो टोटल 20 दिन में कंप्लीट करते हो तो एक दिन में 1/20, दो दिन में 2/20, तीन दिन में 3/20, अब कोई बोलेगा 25 दिन में, तो 25 दिन कैसे हो जाएगा, टोटल काम 20 है, आप 25 कैसे कर लोगे, उससे कम करोगे या फिर उससे इक्वल करोगे, यानी कि 20/20 मैक्सिमम हो सकता है, अब कोई 21/20 बोलेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल 20 है तो 21 कैसे काम कर लेगा, ठीक है, ओके, तो अब आप देखिए 20 दिनों तक काम कंप्लीट किया, टोटल काम करता है 30 दिनों में, दोनों मिलकर के 20 दिनों तक ये दोनों मिलकर के काम किया, यानी 20/30 भाग इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया, देखिए 0 से 0 कटा यानी कि 2/3, ठीक, तो शेष काम कितना, देखिए टोटल काम नीचे है ना जी, तो 3 टोटल काम है, इसमें से 2 काम कंप्लीट कर लिया, बचा कितना, टोटल 3 काम है, 2 काम कंप्लीट कर लिया इन दोनों ने मिलकर के, बचा कितना 1/3, इतना काम शेष बच गया, इतना भाग शेष जो है, इतना भाग काम शेष बच गया। अब यहां पे कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक बात बोलो, टोटल काम हमेशा एक होता है, एक होता है टोटल काम, एक हमेशा 100% माना जाता है, यानी कि अगर वो कोई पूरा काम करता होगा, एक भाग कंप्लीट करता होगा, तो इसमें से ये वाला माइनस कर दो, ये वाला भाग को माइनस कर दो, तो शेष काम पता चल जाएगा, टोटल काम में जितना हो चुका है उसको माइनस करो तो शेष काम पता चल जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक मान लो 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3, तो इस तरह 1/3 यहां से भी आया है, और यहां से आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अरे टोटल 3 काम है, 2 काम कंप्लीट कर लिया तो एक काम बचा ऊपर और नीचे टोटल काम, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है, अगर नहीं आती है तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, ओके, अब देखिए बोला कि शेष काम को करने में, अब देखिए अब कौन भाग जाता है, एक आदमी भाग जाता है, कौन भागता है, तो बी भाग जाता है, बी भाग जाता है, बोला शेष काम को ना ए 20 दिन में कंप्लीट करता है, 1/3 भाग ये शेष काम है ना, इतना भाग जो शेष बचा है बी, बी द्वारा कितने दिन में किया जाता है, बी इसे कितने दिन में करता है जी, 20 दिन में कंप्लीट करता है बेचारा, बी नहीं है जी, ए ना, ए बी तो भाग जाता है, बी तो भागने वाला है धोखेबाज, तो बी भाग गया, तो ए काम करेगा, तो 1/3 भाग जो शेष है ना, ए को करने में 20 दिन लगता है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगता होगा सोचो, तो ए बराबर 20 × 3 यानी कि 60 डेज। अब कई लोगों को समझ में यहाँ पे नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा, ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे कई लोगों को यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा, तो आइए हम आपको लेके चलते हैं बिल्कुल ही बेसिक वाले दुनिया में, बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगा मैं आपको, आप खुद बोलोगे कि इतना बेसिक से कैसे कोई पढ़ा सकता है। यहाँ देखिए एक बात समझिए, अगर हम 2/3 लिखे और x दे दे बराबर 4 लिख दे, तो लोग क्या करेगा यहाँ पे, आप बोलोगे सिंपल सी बात है, उधर लेके जाएंगे तो भिन्न को चेंज कर देते हैं, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भिन्न चेंज हो जाता है, 3/2 हो जाएगा, होगा या नहीं, तो हाँ होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए वही काम, तो यहाँ पे हम यहाँ अप्लाई किए हैं, देखिए ये 1/3 है तो पूरा काम 1% होता है, ठीक, तो उसको हम उसको उस साइड ले चले जाते हैं, तो 20 × 3/1 होगा, एक नीचे नीचे एक आएगा, तो एक से डिवाइड करने में कोई फर्क पड़ता है, संख्या नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक नहीं शो किया, सिंपल सी बात है 20 के साथ हो गया, ठीक, कोई दिक्कत, अब भी कोई दिक्कत है, अरे अब यहाँ क्या बचेगा, एक, यानी एक पूरा सब काम को रिप्रेजेंट करता है, अभी क्या था,
अभी पहले था एक बटा तीन, इसीलिए पूरा एक भाग, पूरा एक भाग ए द्वारा, पूरा एक भाग, अब एक बटा तीन चला गया तो बचा क्या एक। अरे सिंपल सी बात है यार, देखो ना, देखो टू एक्स बराबर चार दिया हुआ है तो एक्स बराबर क्या है बोलो, चार बटा दो, यहाँ कुछ नहीं तो एक नहीं है, एक है या नहीं, तो दही काम तो यहाँ पे अप्लाई किए हैं, एक बटा तीन भाग ए 20 दिन में कंप्लीट करता है, यानी पूरा एक भाग उसको उधर लेके चले जाओ। आई होप अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये 60 डेज लगेगा। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।